जी तो फ्रेंड्स, अभी ये मैंने पानी कर लिया है, इसका देखें कलर जो ऑफ, यानी कि इसका कलर चेंज हुआ हुआ है। तो इसको आप कपड़े में छान लें, कून लें इसको, ठीक है, वो बाहर गया। चलो, इसने अपना काम तो कर दिया जो करना था। तो इसमें हमने करनी है जी बत्तियाँ। आप उठाड़ो उठाड़ो, छोड़ दें, ठीक है। ये देखें, इसके मेरे कोई 30 ml रह गया पानी, इसमें बत्तियाँ करनी है। और बत्तियाँ अभी मैं आपको, ये आपने एक बत्ती बना लेनी है कपड़े की, तो इससे इसका जो गला साफ करना है हमने, ठीक है, इससे गला साफ करेंगे कबूतर का। और ये पानी, इसको पहले मैं तकरीबन कोई एक दो दफ़ा बत्ती करूंगा, बत्ती करने के बाद या वो फिर इसको मैं 10 cc दे दूंगा। जब 10 cc ये चला लेगा, तो उसके बाद फिर इसको 15 cc या 20 cc मैं दूंगा। जब वो चला लेगा तो 10 बादाम दूंगा मैं इसको, 10 से ज़्यादा मैं इसको बादाम नहीं देने वाला। जब ये 10 बादाम, क्योंकि उड़ के तो आया, ये बिल्कुल फिट बैठा है, अभी देखें, ये देखें, तो इसको अभी कोई ऐसा मसला नहीं, यानी कि उसने कोई जोर वगैरह अपना नहीं लगाया हुआ कि मैं इसको जब किसी और तरीके से संभालूं। जब आपका कबूतर इस तरह बैठे, तो आप उसके लिए ये संभाल जो मैंने बताई है, ये जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जोर लगा के आया किसी दिन कबूतर, तो उसकी भी संभाल मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी जब अभी इसको बत्ती करनी है, तो अभी बत्ती करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको बत्ती कैसे करनी है। ये आप इसकी इस तरह भगोले, भगोने नहीं रहा भाई। के बाद कोई बात नहीं, इसका जो आप गला साफ कर दें अच्छी तरह से, ठीक, एक दो दफा करें इससे, अंदर जो गुर्दों के बाहर जो होगी वो सारी इसके गले से निकल जाएगी, ठीक है। अब इसको 15-20 मिनट हो गए, 15-20 मिनट मैंने इसको छोड़े रखा, कुछ भी नहीं कहा। और उसके बाद अब मैं इसको बत्ती करूंगा, पहले मैं इसको 5 cc पानी दूंगा या 10 cc, और उसके बाद जब वो चला लेगा, बीट वगैरह करेगा, फिर उसके बाद मैं इसको 15 cc दूंगा। जब वो हजम कर लेगा, उसके बाद मैं इसको बादाम दूंगा। और ये देखें, अभी इसको कुछ भी नहीं है, ये देखें फिट है बिल्कुल। तो माशाल्लाह बड़ा भी अच्छा है, आधे घंटे की लीड से बैठा, वो भी हमने इसको भड़का के, छतरी से भड़का के इसको बैठाया मैंने, ठीक है। तो ठीक है, यही इसका संभाल का क्राइटेरिया हमारा, अभी ये फिट है इसलिए मैंने इसको इस तरह की संभाल दी है। तो आपका कबूतर इस तरह बैठे, तो आप उसको इस तरह संभाल सकते हैं। तो अभी इसको मैं देता हूँ पानी, पिलाता हूँ थोड़ा सा, ये ठंडा हो गया, इसको जरा नीम गर्म में कर दूँ, ठीक है। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, तो ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो जब पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।